वेलकम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू सेट स्टेशन। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक टाइम के लिए रेसिपी लेकर आ रही हूँ, आलू चाट। कोई मेहमान आ गया है, कोई बात नहीं, आपका दिल चाह रहा है चाट खाने का, कोई मसले की बात नहीं है। दो मिनट में ये आराम से मज़ेदार चाट बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वही हैं आपके सामने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया था और उनको इस तरीके से क्यूब में काट लिया है। आप चाहें तो कच्चे आलू भी इस तरीके से क्यूब में काट सकते हैं और उसको हमें आगे डीप फ्राई करना है। यहाँ पर मेरी जो स्वीट टैमरिंड चटनी की रेसिपी जो मैं दे चुकी हूँ वो यूज़ की है मैंने, और ग्रीन चटनी जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसको मैंने डाला है योगर्ट में। तो बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है, ट्राई करिएगा। फिर यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली है मैंने, जिसमें टोमेटोज हैं, अनियन, मिंट, फ्रेश कोरिएंडर, लेमन और ग्रीन चिलीज़ हैं। यहाँ पर मसाले मैंने लिए हैं कुछ, जिसमें आपको मिलेगा भुना कुटा ज़ीरा, काला नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स। मैं अभी यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, तो चिली फ्लेक्स भी हैं। और यहाँ पर आपको निम्को चाहिए होगा, अपनी कोई भी पसंद का, लेकिन सेव ज़रूर लीजिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आता है उसको डाल के खाने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और जो मैंने पोटैटोज़ को बॉईल करके रखा था अब मैं उसको फ्राई करूँगी। बिल्कुल भी मैं इसको ज़्यादा नहीं मूव करूँगी, बस एक साइड से ये कलर ले लें हल्का हल्का सा, तो मैं इसको हल्के हाथ से मूव करना स्टार्ट करूँगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि कच्चे आलूओं को लेकर भी डीप फ्राई कर सकते हैं, उसका अपना अलग टेस्ट आता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये वाली इस तरीके से आलू को खाना ज़्यादा मज़े का लगता है, जिसमें हल्का हल्का सा फ्राई हुआ हुआ टेस्ट आ रहा हो, ना कि पूरा फ्राई हुआ हुआ। अब जब आलू गरम हो तो उसमें सारे मसाले डाल दीजिए, अच्छे से इस तरीके से टॉस करिए, स्पून ना चलाएं क्योंकि ये टूट सकते हैं और इनका फिर मैश बन जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। स्ट्रीट स्टाइल सर्विंग किस तरह करनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके का मैंने पेपर बोल ले लिया था, उसमें थोड़ा सा मैं अब डाल रही हूँ मेरा मसाला फ्राइड पोटैटोस। इस तरीके से मैंने नीचे इसको डाल दिया, ऊपर से मैं डाल रही हूँ स्वीट टैमरिंड चटनी, फिर मैं डाल रही हूँ इसमें मेरी ग्रीन योगर्ट चटनी, फिर मैं इसके ऊपर अपनी पसंद से जितना मुझे सैलड चाहिए है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और जितना ज़्यादा सैलड होता है उतना मज़ा आता है मुझे, तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है कैसे आपको बनाना है, कैसे खाना है, अपनी पसंद से जो चीज़ डालना चाहते हैं डालिए। उसके बाद अब मैं दिखा रही होम स्टाइल सर्विंग कैसे होनी है। तो एक बोल में मैंने सारे पोटैटोज़ को इस तरह डाल दिया था, उसके बाद मैं इसमें दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करूँगी जिसमें स्वीट टैमरिंड चटनी है, ग्रीन योगर्ट चटनी है, सारे सैलड्स ऊपर से डाल दूंगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलिशियस बनती है। दोनों में मैंने लेमन स्क्वीज़ किया था। अब यहाँ पे लास्ट में जब मैं सर्व करने लगी हूँ तो मैंने सेव और जो पीनट्स थे वो और थोड़े से पीस, जो फ्राइड पीस थे वो डाले हैं, और थोड़ी थोड़ी सी एक दो चम्मच मैंने और ज़्यादा इसके ऊपर चटनियाँ डाल दी हैं ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे और बहुत मज़े की भी लगे खाने में। तो देखिए जी, स्ट्रीट स्टाइल आलू चाट रेडी है। इसको जिस तरह भी चाहें आप सर्व करें और इन्जॉय करें अपने टी टाइम पे। ये आपकी सारी चाट की क्रेविंग को दूर कर देगी और आपको इतना मज़ा देगी कि आप कहेंगे कि वाह सिद्रा, क्या ज़बरदस्त रेसिपी दी है आपने। इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।